आदरणीय श्री शरद यादव जी, मेरे साथी अली अहमद और प्रोफेसर मनोज झा और दोस्तों, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश और इन हिंदी? व्हाट डू यू प्रेफर? या दैट इज द प्रॉब्लम. इफ आई स्पीक इन माय मदर टंग विल यू फॉलो? तेलुगु. आई एम बोर्न इन टुडे व्हाट इज कॉल्ड चेन्नई. It was called Madras then, so I speak a little Tamil. I'm elected to the parliament from Bengal, so I speak Bengali. So which language are you most comfortable with? Hindi. Yehi hai hamari saathi ki raasta. Ab main Telugu bolu, Hindi bolu, Tamil bolu, Bengali bolu. Ye sab, jo bhi baaki sab se judi jaate hai, matlab samajh mein aa jati. Ye sab miljul kar ek to Bharat bana. सांझी विरासत का मतलब सिर्फ अलग अलग धर्मों के लोग नहीं हैं भारत के, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग हमारी परंपराएं हैं. हम सब मिलजुल कर इस गुण के अंदर अगर भारतीय कहते हुए हम भारत के हैं, दैट यू इंडिया, दैट इज भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो पहला आपका आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वही आपको समझाता है कि ये सांझी विरासत के बिना इंडिया डजंट एग्जिस्ट, इंडिया ही नहीं रह सकती. और उस सांझी विरासत के ऊपर आज ये हमला जो आ रहा है, आप छात्र हैं. मैं 1970 में इस यूनिवर्सिटी में पहले प्रवेश किया था, कितने 47 साल हो गए, और अब हम सीनियर सिटीजन हो रहे हैं या हो चुके हैं. और अब ये भारत और ये हिंदुस्तान आप लोगों का है. कैसे बनाना चाहते हो आप लोग तय करिए. जैसे हम लोगों ने हमारे पीढ़ी में तय करके, शरद जी हो, हम लोग सब राजनीति में आए ताकि देश को बेहतर बनाए. राजनीति विचारधारा अलग हो, सही हो या नहीं, लेकिन एक चीज़ है, अगर ये देश नहीं बचेगा तो ना आप बचोगे ना मैं बचूंगा, कोई नहीं बचेगा. आज खतरा उसका, और उस खतरे को सामना करने के लिए आप लोगों को सबको सोचते हुए आगे आने की जरूरत है. आखिरकार इस तरीके की खतरा आया क्यों, कैसे पैदा हुआ, और संक्षिप्त में अगर इसको समझना है. अली अनवर साहब कुछ बातें कह रहे थे, लेकिन अगर आप लोग, क्योंकि छात्र आप है, आपकी विरासत है हमारा भारत, इस विरासत को समझना है तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर से शुरू होगी. तीन धाराओं के बीच में एक विचारधारा में टकराव होता रहा, और वो होता रहा एक सवाल को लेकर, और वो सवाल है कि आज़ाद हिंदुस्तान का चरित्र क्या होगा, उसकी कैरेक्टर क्या होगी इंडिया की. कांग्रेस उस समय जो नेतृत्व दे रही थी राष्ट्रीय आंदोलन को, उनका ये मानना था कि एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य बनना चाहिए भारत. वामपंथी जो उसी संघर्ष में शामिल थे उनके साथ एएससी की मीटिंगों में, मतलब वो जाते थे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, पहला प्रस्ताव संपूर्ण आज़ादी के लिए दो कम्युनिस्टों ने रखा था, जो गांधी जी ने उस समय स्वीकार नहीं किया था 1920 में. और ये दो कम्युनिस्ट कौन थे? एक मौलाना हसरत मोहानी, एक स्वामी जी थे. दो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उन्होंने प्रस्ताव रखा था जो फाइनली एक्सेप्ट हुआ था 1929 में अपील कराची कांग्रेस. तो ये जो विरासत रही है इसके अंदर टकराव क्या था? वामपंथियों का क्या कहना था कि सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य बनने से भविष्य हमारा एक टिकाऊ नहीं रहेगी. उस भविष्य को टिकाऊ रखना है तो आपको राजनीतिक आज़ादी जो मिलेगी उसे आपको आर्थिक आज़ादी में बदलना, जो नारा भगत सिंह ने दिया था कि पोलिटिकल इंडिपेंडेंस मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर पीपल, एंड वो संभव तभी होगा एक समाजवादी व्यवस्था की ओर हम बढ़े. तो वो उनके कांग्रेस की जो दिशा थी, जो विजन था, उसे टकराते हुए नहीं लेकिन उसको आगे बढ़ाने, जो बात वामपंथियों की, इसके विपरीत तीसरा जो विजन जो ऊपर कराया उसके अंदर दो जुड़े भाई थे. और वो विजन का मतलब उनका कहना क्या था कि भारत जो बनेगा आज़ाद भारत, उस भारत का चरित्र तय होगा भारत के लोगों की धार्मिक आधार के आधार पर.
और इसके दो जुड़े हुए भाई बहन, एक था आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र की हिमायती करते हुए आज भी कर रहा है, और दूसरी ओर से मुस्लिम लीग जो इस्लामिक स्टेट की बात कही गई, और अफसोस की बात है देश का बंटवारा हुआ वो इस्लामिक पाकिस्तान बनी बड़ी। अब जो भी हो गया इतिहास में, हम भी पैदा हुए थे उसके बाद ही, अब वो सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन ये टकराव आज़ादी पे बंद नहीं हुआ कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना, वही गुस्सा था महात्मा गांधी की हत्या के पीछे। अब वो कोशिशें तब से लेकर आज तक जारी है, और अब ये सरकार आने के बाद ये और मजबूत हुआ। तो इसके अंदर ये इतिहास में संक्षिप्त में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी विरासत है ये मुल्क, और यहाँ पर ये मुल्क बना कैसे, यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके पीछे यहीं पर आप ही की यूनिवर्सिटी में अभी भी लाइब्रेरी के सामने स्वामी विवेकानंद का स्टैचू है, तो है कि नहीं? और स्वामी विवेकानंद ने कहा है जैसे अलग अलग नदियाँ अलग अलग रास्ता एक ही महासागर में जाकर डूबते हैं, उस तरीके से अलग अलग इंसान अपनी अलग अलग धार्मिक भावनाओं से एक ही इंसानियत के महासागर में जाकर डूबते हैं। कौन सा मजहब है आपकी, क्या है आपका धर्म, वो इंसानियत के ऊपर नहीं, और इन सबको मिलजुल कर रहना ही इस देश को बनाया। और यही बात रविंद्रनाथ टैगोर चाहिए तो हर जो महान जो भारत के व्यक्ति थे उन सबके कोटेशन में आपको दे सकता हूँ। ये सिंक्रेटिक एवोल्यूशन ऑफ इंडिया, दिस सिंक्रेटिक कल्चर, दिस इज द बेसिस ऑन विच यूनाइटेड इंडिया वॉज फॉर्म, एंड दैट इज द ओनली बेसिस ऑन विच इट कैन एग्जिस्ट। अब इसको हमें खतरा आज इसके ऊपर है। आर्थिक सवाल सूरज यादव जी बताए, बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। आप लोगों के लिए वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नए नौकरियों की शुरुआत होगी, आज हालत क्या है आपके फॉर्मल सेक्टर में? 9.6 मिलियन यानी 96 लाख जो नौकरी में थे उनकी छटनी हुई है पिछले एक साल में। ग्रामीण इलाकों में रोजगार योजना जो चलता था उसके लिए खर्चा आधा कर दिया। आपके सर्विसेज सेक्टर में बहुत सारे लोग आपके शायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इधर उधर जाना चाहते हैं सर्विसेज में, वहां पर 3 आपकी सबसे बड़ी कंपनियां विप्रो, कॉग्निजेंट और इंफोसिस, इन तीनों ने कहा कि 67,000 की छटनी होगी इस साल। तो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सब में ये जो क्राइसिस चल रहा है, आपका किसान अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है। अब ये सब जो हो रहा है तो ये साझी विरासत के ऊपर हमला करते हुए लोगों के अंदर बंटवारा पैदा करे धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, कभी गौरक्षक निकल आए दलितों पे और मुसलमानों पे हमला करने, कभी आपके एंटी रोमियो स्क्वाड्स, शायद आप में से कुछ इंग्लिश लिटरेचर के भी स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन अगर नाम ही रखना था तो आपके मॉरल पॉलिसिंग के लिए तो आप ज़्यादा शेक्सपियर को क्यों बदनाम कर रहे पता नहीं, वो एंटी रोमियो नाम क्यों लगाया, वो कुछ और नाम लगा लेते हो मॉरल पॉलिसिंग के लिए। लेकिन वो कहेंगे आपको क्या आप पहन सकते हो, क्या आप खाओगे, किसके साथ दोस्ती करोगे, कैसे आप रहोगे, आपकी जिंदगी कैसी होगी वो तय करेंगे। इस तरीके की सामाजिक बंटवारा लिया कर लोगों का गुस्सा जो उनकी आर्थिक बर्बादी जो हो रही है उससे अलग हटाने के लिए अपनी साझी विरासत पे ही एक बहुत बड़ा हमला आज जो है बिठाई गई। हर क्षेत्र में आप देखिए, यूनिवर्सिटी में अभी सूरज यादव जी बता रहे थे, हर यूनिवर्सिटी में JNU के अंदर वो जो हमला हुआ वहाँ पर स्टूडेंट्स इनटेक को बहुत मतलब 90% गिरा दी गई कई सारे सेंटर में। आपके हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन सब पे हमला करते हुए वो आज चाहते हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान ज़्यादा ना उभरे अपने मुल्क के अंदर, वो सबसे बड़ा खतरा है उनको। नौजवानों के अंदर अगर चेतना बढ़ेगी और ये सवाल वो पूछने लगेंगे तो तब दिक्कत होगी। तो अगर उनको अपनी विचारधारा की तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे तो संख्या को ही घटा दो, और संख्या घटा दो और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलवा दो, जिसके पास पैसा है वो ही जा सकता है, बाकी लोग जो है वो बेकार रहे बर्बाद हो उसके लिए कोई परवाह नहीं है सरकार।
अब ये सब शिक्षा के क्षेत्र में ये हमला क्यों हो रहा? क्योंकि वो वैज्ञानिक आधार जो होना चाहिए, जो आप लोगों की अब बनती है, जैसे हमारी बनी हमारे बीए और एमए के टाइम पे, आप लोगों के अब वो आधार बनती है वैज्ञानिक आधार, जिससे पूरी जिंदगी भर आप उसके आधार पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे।